मनचान तो कैसे यार, एक बार फिर से मैक्स के और आप सब सामने हाजिर हो गया हूं। मैं एलियन वर्सेस प्रेडेटर का एक नया पार्ट लेके, जिसमें मैं आपको प्रेडेटर वाला मिशन दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने लास्ट बार इस गेम के रिव्यू में बोला था कि हमने सोल्जर वाला मिशन ऑफ कर लिया है, ऑफ मींस खेल लिया है थोड़ा बहुत। मैं उसका स्पॉइलर नहीं बनना चाहता। जैसा कि मैंने बोला था, वो मिशन मुझे मिल नहीं रहा है। वो मिशन है तो बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने जब उसे खुद पर्सनली ढूंढ ढांड के करा ना, मतलब खुद जब उस एरिया में घूमा, मुझे पता चला तो वो एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको वो खुद तय करना होगा। तो मैं उसको स्पॉइलर नहीं बनना चाहता। कहते हैं ना, हर मूवी के बीच में एक ऐसा दोस्त होता है जो स्पॉइल कर देता पूरी मूवी, वो नहीं बनना चाहता। अब मैं सीधा ले चलता हूँ प्रेडेटर वाले मिशन पे। प्रेडेटर भी मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं प्रेडेटर भी थोड़ी सी खेल चुका हूं, पर आप लोगों को ये बताना नहीं चाहता हूं कि प्रेडेटर में भी बहुत कुछ है। और प्रेडेटर की बात करेंगे चलते चलते आगे, बस कंटिन्यू करते हैं गेम खेलते हैं। गेम प्रेडेटर वाला मोड, जहां तक मुझे लगता है प्रेडेटर वाला मोड इस गेम में सबसे बेस्ट मोड जो मुझे अभी तक लगा। वैसे मैं अभी तक एलियन वाले मोड पर अभी तक छुआ भी नहीं है, बट जो मेरा पर्सनल रिव्यू है, प्रेडेटर वाला मोड इज द बेस्ट इस गेम में। प्रेडेटर वाले मोड से अच्छा कोई मोड नहीं हो सकता, जो मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं सोच रहा हूँ एट द लास्ट, जब इन तीनों का रिव्यू हो जाएगा, तो इन तीनों को एक साथ खेलकर इसका एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे, तीनों को एक साथ खेलकर। बट अभी हम प्रेडेटर वाले मिशन पे हैं, तो अभी प्रेडेटर वाले मिशन की बात करते हैं। जो मैंने इसको खेला और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, प्रेडेटर एलियन की टक्कर का है। जब हम ह्यूमन वाला गेम खेल लेते, यानी मरीन मिशन खेल लेते ह्यूमन वाले के साथ, जिसमें हमारे पास गन थी, सो जब हमने खेला था कि हमें, मुझे ये एक्सपीरियंस लगा, कुछ नए एक्सपीरियंस तो मिले ही थे, जैसा वो फायर रेंज वाला राइट वाले बटन से। ओके, सो ये है वो प्रेडेटर मोड जो कि काफी काफी इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पर अभी मैं गायब हो रखा हूँ, यहाँ पर मैं हो गया हूँ अभी, तो वहां पर जो है डॉट दिखा रहा है। सो मैं पर्सनली बताऊं तो गेम बहुत ही सचमुच तो बहुत ही एक्सपीरियंस करने वाली है, और प्रेडेटर मोड तो इसमें सच में बहुत ही ज्यादा कूल है, क्योंकि प्रेडेटर इसमें एलियन की टक्कर का है। हालांकि जो ह्यूमंस है वो प्रेडेटर की टक्कर के नहीं है। सो मुझे जो दिक्कत ये हो रही थी पर्सनली कि तो है जो है वो फुल है। तो यहां पर तो कुछ भी नहीं है। सो जो मेरी जो प्रेडेटर वाला जो मोड था वो माइट बी, तो कोई तो है। ये साउंड ट्रैक्स बता देते हैं ना, हलचल। और ये इसमें लॉन्ग जंप वाला जो हिस्सा है ना, ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है। ये तो कहीं पे भी बॉस, आवाज तो आ रही है, कोई तो है अपन लोग के आसपास। यहां पर कैसे जाऊंगा मैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो गेम की बात भी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, और मैं बार बार खेलते खेलते बात बोलना भूल जाता हूं, कि बहुत सही है प्रेडेटर वाला मोड, क्योंकि उसमें जो था कि एलियन से हम इतनी सही से लड़ नहीं पा रहे थे जितनी सही से होना चाहिए था विद द गन्स, जो मुझे प्रॉब्लम लग रही थी पर्सनली। बट प्रेडेटर वाले मोड में ऐसा कुछ भी नहीं है, उठाकर पटक दो बस, तो भी पछाड़ दे देंगे, ऐसा वाला मामला हो जाता। सो यहां पर अंदर जाना तो है, बट ये नहीं पता चल रहा कहां से। सो अब पता चल गया। सो इसमें बहुत सही चीज है कि मेरा आर वाला जो मेरा बटन है उसे दबाते ही मैं जो है इनविजिबल हो जाता हूं, जो कि काफी अच्छा है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बहुत। ओके पीछे, ओके। तो भाई साहब ये है बॉस वाला मिशन, आई थॉट। ठीक है ललुआ, चिल्लाओ नहीं, हमारे आ रहे हैं। एक तीसरा,
कहाँ भाई कहाँ कहाँ। तो जैसा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं बहुत सही जा रहा हूँ, तब दो तीन बुकों में उस प्रेडर का मतलब आई मीन एलियन का काम काफ़ी सही ख़त्म हो जा रहा है। बस ये एलियन एक बार आ जाए तो मैं सॉ एलियंस वैसे है तो बहुत पावरफुल और काफ़ी सही में इन एलियंस में इस गेम के अंदर काफ़ी सारी नॉलेज है जो मैंने देखा है। मतलब एक आम कंप्यूटर जो गेम खेलता है ना, उस कंप्यूटर से तो काफ़ी हद तक ये गेम सही खेलते हैं। और वो रहा शायद बॉस, ये गलती कर दी। ये भी खा ले मेरी तरफ से। ओह ये वो तो फेस टू फेस, व्हाट द फक, वो ये मेरी तरफ से, ये भी मेरी तरफ से, ये भी मेरी तरफ से, ये भी मेरी तरफ से, ओह ओह मेरा, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी तरफ, ये भी मेरी तरफ, ले ले बेटा, ओह और ये मेरा, ओह मेरे पास से मुक्त मुक्त खत्म करने वाले मुक्त, चल बेटा तेरा काम हो गया और तुम्हारा भाई एकदम जीत गया। ठीक है, तो काफी सही है प्रेडेटर वाला मोड भी। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो प्रेडेटर वाला मोड बहुत ही सही है। तो मैं जब गेम के बीच में खेल रहा था तो शायद आपको इतना सही से नहीं समझ में आएगा, तो मैं अब बता देता हूँ कि जब मैं ह्यूमन वाला मोड खेल रहा था उसमें मुझे एलियन को मारने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इनफैक्ट जब मैंने बड़ी वाली गन ली उसमें भी मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। थोड़ी सी दिक्कत यह आ रही थी कि एलियन इधर उधर टॉगल कर देता है, अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, बच जाता है, डॉच करता है, तो वो थोड़ा सा अजीब था कि मैं एकदम फोकस करके नहीं मार पा रहा था, वो थोड़ा अजीब था। बट यहाँ पर जो प्रेडेटर मोड है इसमें हम जैसी एलियन टकराता है और हम माउस का कोई सा बटन क्लिक करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स एकदम से फटाक से अपने ब्लेड उठा के मार देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेडेटर के पास चाकू वाले भी हैं हाथ में जो होता है, और मेनली जो उसके पास जो पीछे जो एक गन लगी होती है जो कि हमने मूवीज में भी देखा है वो भी है। सो बहुत ही सही किस्म की कॉम्बिनेशन कर रखी है प्रेडेटर वर्सेस एलियन। बट मेरा जो इसमें नया एक्सपीरियंस ये था कि मैं इसमें एलियन भी बन सकता हूँ, मैं इसमें प्रेडेटर भी बन सकता हूँ और मैं इसमें ह्यूमन भी बन सकता हूँ। सो ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, एक ही स्टोरी में सब कुछ। लाइक मोर्टल कॉम्बैट एक्स लगा लो, उसमें भी यही है, विलन से भी फाइट होती है, हम विलन बन के भी किसी से फाइट करते हैं। सो एक काइंड ऑफ मिक्स, बट मैं मोर्टल कॉम्बैट एक्सेस को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इस गेम की कंपैरिजन की बात करूँ भी तो मे बी इसके ग्राफिक्स को मैं मे बी थोड़ा बहुत इसके जो ह्यूमन वाला जो मिशन होता है जो उसके थोड़े चाल चलन है उसको मैं मेट्रो से हल्का फुल्का जो मैंने खेली थी 2020 जो भी थी, मेट्रो 2030 2050 जो भी व्हाटएवर जो भी वो थी, मेरे को नाम सही में याद नहीं आ रहा, वो मेट्रो 2033 आई थॉट वट एवर जो भी है वो। सो उसके साथ मैं इसको कंपेयर करूँगा और काफ़ी सही है ये गेम, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को उस टाइप की फील बंदूक वाले एरिया में नहीं आ रही थी जितनी इस एरिया में आ रही है। सो अब इसको और आगे तक खेलेंगे, मज़े करेंगे, उससे मज़ा तो काफ़ी सही आ रहा है इस गेम को खेलने में। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं बॉस इतनी जल्दी ख़त्म कर दूंगा, तब हालांकि ये बॉस काफी
आई डोंट नो ओके। तो ये आ गए हम दोबारा से एक और। ओ वाह 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 वाह, ये क्या चीज है भैया। वैसे एक और मैसेज है गाइस, घर पे रहना, घर से बाहर ना निकलना। वाओ, सो यहाँ पर मैंने प्रेडेटर मिशन इतना सा कंप्लीट कर लिया है, अब इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे एज अ प्रेडेटर। तो यहाँ पर ये एलियन वाला मिशन है वो मैं आप सबको अगली वीडियो में कंटिन्यू करके दिखाऊंगा, बट यहाँ पर अभी हम पहले प्रेडेटर वाला मिशन कंप्लीट करेंगे। वैसे एक बात है कि इस गेम का जो एक अभी जो एक रीसेंट पार्ट कह सकते हैं, या जो अभी जो इसका जो नया वाला पार्ट है वो कभी भी निकला हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, बट है तो वो सच में काफ़ी बढ़िया, क्योंकि मैं उसकी वॉक थ्रूज देख रहा था, उसको प्ले करते हुए मतलब उसको देखा मैंने यूट्यूब पर भी, काफ़ी सारी जगहों पर देखा, तो काफ़ी अच्छी गेम है, मतलब ग्राफिक्स वाइज भी और रिस्पॉन्स वाइज भी। हालांकि इस गेम का रिस्पॉन्स लो एंड पीसी के लिए तो बहुत ही ज्यादा सही है, सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा सही है, बट अगर इसकी बात करें ह्यूमन मोड की तो मैं उससे थोड़ा डिससेटिस्फाई हूँ, क्योंकि उसमें उतनी पावर नहीं दे रखी है। अब आई डोंट नो व्हाई कि वो एलियंस है और हम ह्यूमन से इसलिए या कोई और रीजन, सो मुझे नहीं पता, बट या मार दिया बंदों को। के फोर, तो मेरे पास अब यहां पर एक नया 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 हथियार आ चुका है। तो मैंने लग रहा फेंक दिया। गायब होने की निंजा टेक्निक। ओ भाई पट से हेडशॉट। सब है तो जो भी है, ये मोड बड़ा सही है, बट मैंने पिक्चर देखी तो है बट इतनी कुछ खास ज्यादा देखी नहीं है। सो चलते हैं, कूदते कूदते अपन लोग। काफी सही है इसमें ये जो इसकी पावर जंप निकलती है। तो यहां पर एक और है। शिट, गया पार्ट सेट शॉट। तो नीचे चलते हैं। शिट शिट शिट, ये बहुत सही है इसमें, मतलब जो माउस के बीच वाला बटन है तो या ये रोबोट था। कट द सिक्योरिटी। अच्छा मुझे लग रहा शायद ये रोबोट्स थे, नहीं थे। ओके सो वहां पर अपना मिशन है और वहां पर से हमें ऊपर तक जाना होगा, अपनी पहुंच बड़ी करनी होगी। ठीक है, बस
एक कमी और मुझे इसमें लगी, मैप मेरे पास नहीं है। मैप की जगह मेरे को ऊपर अगर आपकी डिस्प्ले में आ रहा होगा तो वो जो एरो है इधर उधर जो हिल रहा है, अभी जैसे मैं हिल रहा हूँ तो वो ऊपर जो एरो हिल रहा है वो है मेरे पास फॉर ऑब्जेक्टिव जानने के लिए कि मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड ठीक है, अपनी अपनी, कहीं कुछ मिलता है तो कहीं कुछ खोता भी है, ज़रूरी नहीं है हर बार आपको कट द सिक्योरिटी के। मैं अपनी पूरी कोशिश, आई थॉट मैं यहीं से जाऊंगा। इतना खतरनाक तो वैसे गाइस, मैं एक बात सोच रहा हूँ कि अगर मैं YouTube पे गेमिंग करते हुए अपना फेस लेके आऊँ तो मैं कैसा लगूंगा। Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लगूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहता, सच में नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोच तो रहा हूँ कि अपना फेस लेकर आऊं, बट अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो शिट, मेरे को पता ही नहीं था कि ऊपर लोग होंगे और मैं बिना देखे कुछ चला गया ऊपर। हिलो मत यार, फोटो शूट करने दो, क्या यार हिल जाते हैं। वैसे ये सही है, ये मोड इसमें काफी सही है कि जब हम हमला करने जाए तो पर्सन जो है हिल जाता है, ये सही है, काफ़ी अच्छा मोड मुझे लगा इसके अंदर कि ये होना चाहिए, एक रियलिटी दिखनी चाहिए ना कि हर बार वो एक जगह तो खड़ा रहेगा नहीं, लाइक करने के लिए तो रहेगा। ओ तीन निशाने मैंने वेस्ट करे, शिट वेस्ट क्यों कर रहा हूं यार। अपन लोग ने इसको फेल कर दिया। ओहो नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं होता। एक और था इधर, पावर शॉट पप्पू लाल, हम सब होंगे ना ही ले सकत हो कभी ना ही। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को जाना कहाँ से, लाइक मैंने करा तो था फिर ये हुआ क्यों। क्या मेरे इसमें कोई कमी रह गई थी। ओके आई थॉट वो रिचार्ज हो जाता है, मे बी कुछ इसी तरीके की होगी स्ट्रैटेजीज। तुम्हारा बाइकिंग इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है,
ये खुल क्यों नहीं रहा है? कट द सिक्योरिटी पॉड पावर सप्लाई। यार अभी तो कट करी थी। जस्ट अभी कट करी थी मैंने और तो ये हो क्यों नहीं रहा यहां से तो कहां से भैया? मैंने इसको 10 बार करके देख लिया तो ये हो क्यों? अब मैं समझ गया हूं, काश इतनी अकल मेरे में पहले होती तो कितना मजा आता। तो अब यहां पर तुम्हारा भाई तो पक जाएगा, एकदम छुपके छुपके जाएगा, छुपके छुपके लाल हो जाता है ना। फॉर द मिशन फेल। ओके सो ठीक है, मिशन फेल हो गया, कोई नहीं, हम रिस्टार्ट फ्रॉम चेक पॉइंट करेंगे, बट अब इसे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम दिस इज द टाइम फॉर रिव्यू टाइम। ये टाइम में हम आपको इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताएंगे। So guys, game सच में बहुत बढ़िया है for low end PC, आप डाउनलोड करो खेलो, but इसमें एक दिक्कत जो है, इसकी आवाज चुभती है, आवाज इसकी चुभती है कानों के अंदर, और जिसकी साउंड है मतलब हाई पे ना रखो तो भी थोड़ी सी चुभती है। बट अगर मैं बात करूँ इसके ग्राफिक्स की, सो या इट्स गुड ग्राफिक गेम्स फॉर लो एंड पी सी। एंड इसकी अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर बेसिक अगर मैं सही देखूँ इसके अंदर क्या सब कुछ क्या सबसे बढ़िया है, तो वो ये है कि इसमें प्रेटर मोड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। और जो मुझे नहीं लगा सबसे अच्छा वो था ह्यूमन मोड में, ये कि ह्यूमन मोड में हम थोड़े कम ताकतवर हैं। पर जहाँ तक की बात रही इसकी ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और फिर अब जब हम बात कर लेते हैं इसमें से, मैं इसके जो ह्यूमन मोड है उसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेट्रो 2033 से, या जो भी है वो जिसका नाम नहीं पता चल रहा उससे, बट वो गेम सच में इस गेम से तो काफ़ी सही थी। उसमें गन्स काफ़ी पावरफुल थी, जो भी उसमें आ रहा था सामने से एनिमी, जो भी टारगेटर आ रहा था उसको हम सही से हैंडल कर पा रहे थे। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि मैं, बट लास्ट में एट लास्ट जब मैं तीनों चीज़ें खेल लूँगा तब इसको कंपेयर करूँगा पूरा सही से कि तीनों में से कौन सा मोड इसका बेस्ट है, कौन से में स्टोरी लाइन ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को पर्सनली। आपको जज करने वाला मैं नहीं होता हूँ, जैसा मैंने पहले बता दिया वो आप है, मैं बस आपके सामने लेके आ सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ। सो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करेंगे, एक साथ बोलेंगे गाइज, मौज लेंगे, रोज लेंगे, और नहीं मिलेगा तो मैक्स केओस से पूछ लेंगे हम क्यों बैठे हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो गेमर्स हैं, प्लीज़ 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 फुल सपोर्ट करो, और बस यही बोलूँगा। सो बाय बाय।